दिल्ली के रामलीला मैदान ने सियासी तौर पर कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और अब इसी जगह इसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली जीतने का मंत्र फूंक सकते हैं। दिल्ली पर कब्जे के लिए बीजेपी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी से रैली की गुजारिश की है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में विजय पताका लहराने के बाद दिल्ली फतह के लिए बीजेपी मैदाने जंग में कूद पड़ी है। पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत दिलाने वाली शानदार और जानदार छवि के बूते दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है। चुनावी तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 जनवरी को रैली का अनुरोध किया है। अभी निश्चित रूप से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमने उनसे आग्रह किया है, अभी उनसे हमें समय मिलेगा, तारीख तय होगी तो निश्चित रूप से आपको बनाएंगे। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और फिर झारखंड से लेकर कश्मीर तक मोदी का जादू वोटरों के सर चढ़कर बोला और अब दिल्ली में पार्टी इसी जोश को दोहराना चाहती है। 3 राज्यों में पार्टी ने ठाट से सरकार बनाई और कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार की दौड़ में भरपूर तरीके से शामिल है, लेकिन अब सामने दिल्ली का मसला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले ही उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर चुकी है। खुद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। इधर बीजेपी अभी तक किसी नेता को चुनावी चेहरे के तौर पर पेश नहीं कर सकी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने का दांव खेल रही है। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि भाजपा के पास कोई नेता नहीं है और इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी, है नहीं फाइट। फिलहाल चुनावी तारीखें तो तय नहीं है, लेकिन नए साल में दिल्ली नई सरकार के तोहफे का इंतजार जरूर कर रही है। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक।